है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना दिया है, उसके लिए उनको धन्यवाद है। पब्लिक का गतिरोध, पब्लिक को दुखी करना, ऐसे उनके विचार हैं, इसलिए उसको धन्यवाद है। अब तक रोड चल रहे थे, हमने रोड को नहीं रोका, इसमें आवागमन चल रहा था। हर आदमी कहता था आपसे पहले, जितने भी आंदोलन हुए सब में कहते थे कि भाई आने जाने की व्यवस्था खराब हो रही है, सड़क खोलो, रास्ते खोलो। आज सरकार खुद रोक रही है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, आपको ध्यान हो तो, कि हिंदुस्तानी बना दिए हो तुम, हिंदुस्तानी बने रहना, हिंदू मत बनना। हिंदू बन गए तो फिर ना चला जाएगा देश का। ये असलियत है कि कोई ना कोई ड्रामा करेंगे, इस तरह का ड्रामा करेंगे, क्योंकि कोई मुद्दा तो इन पर आई नहीं, मुद्दा पर तो चुनाव लड़ा ही नहीं। इन्होंने तो देश की, हमारे प्रजा की भावनाओं से खिलवाड़ किया। जो भी चुनाव हुए भावनाओं से हुए, कोई मुद्दा तो उन पर रहा ही नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि वो जीते, भारी मात्रा में जीते, हमने भी वोट दिया जब जीते, क्योंकि जब तक उनकी असलियत की पता नहीं थी कि ये इतना भी झूठ बोल सकते हैं। अब उनकी असलियत आ गई है सामने, हर आदमी ने समझ लिया है, पूरी असलियत जानते हैं हम। अब अफसोस है, हर आदमी को अफसोस है, हर युवक को अफसोस है। नौजवान जाग गया है, युवा जाग गया है, युवा समझ रहा है। परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, ये कानून जल्दी वापस ले ले। जितने ही देर लगाएगा उतना ही मोदी और बीजेपी का नाश जाएगा। ये किसान अन्नदाता है, किसान पालने वाला है। एक जन्मदाता होता है, एक अन्नदाता, और अन्नदाता की हाय लेके बैठ जाएगी, खा जाएगी अन्नदाता की हाय। इसलिए वो जल्दी से जल्दी सोच ले, समझ ले और ये कानून वापस ले ले। बहुत गलत नंबर डायल कर दिया उसने, बहुत गलत नंबर। 28 तारीख को तो लोग कमाल ही कर दिया, 28 तारीख को साक्षात परमात्मा देखने वाला, वो आंसू नहीं थे, वो सुनामी लहर थी। और देखा होगा उसका प्रैक्टिकल, देख रहे हो आप, बताने की जरूरत नहीं है। हम वापस करा के ही जाएंगे। क्या कौन होती है सरकार? सरकार है ये जो पब्लिक घूम रही है, वो वेतन भोगी है, उनको जिम्मेवारी दी है कुछ दिन काम करने की, वो जिम्मेवारी सही से निभाएंगे तो ठीक, और नहीं 22 और 24 आ रही हैं, उसका परिणाम देखने को मिल जाएगा उनको। ज़्यादा लंबे मेहमान नहीं है वो, उन्होंने अपनी चला ली, जो कुछ चलानी है। तो सारी चीज़ साफ हो गई ना कि बीजेपी करवा रही है सारी चीज़ को। झंडा जिसने टांगा वो बीजेपी का आदमी था, वो तो सारी चीज़ क्लियर हो गई, अब तो कोई बात रही नहीं। RSS के लोग थे जो पुलिस की वर्दी पहन के लाठी चला रहे थे किसानों पर, वो सारी चीज़ क्लियर हो गई। ये जाँच करवाए ना, जाँच करवाए, जाँच नहीं करवाएगा। RTS इतनी कहाँ से आई, इतनी मिलिट्री मारी, उसकी जांच हुई? अब तक जांच होनी चाहिए ही। सगरे हिंदुस्तान का आज 28 तारीख को पूरे हिंदुस्तान का बालक बालक किसान कर रोया, पूरी रात नहीं सोए बच्चे, टीवी पर बैठे रहे पूरी रात, टीवी पर बैठे रहे बच्चे, कोई नहीं सोया। कोई आ पा रहा है, कोई नहीं आ पा रहा, काम की वजह से नहीं आ पा रहा, साधनों की वजह से नहीं आ पा रहा, लेकिन हर आदमी आंदोलित है, हर आदमी का दिमाग खराब है। प्रेशर उनका इतना है मोदी और अमित शाह के सामने, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं। जानते हुए नहीं बोल सकते हो, सारी चीज़ को समझते हुए नहीं बोल सकते। उनकी जो झूठ बोलते हैं ना, वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, झूठ चलने जो को चलनी है। अब बहुत जल्दी इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी परिणाम मिलेगा। किसान नहीं जा रहे हैं, किसान को भले ही 4 साल बैठना पड़े, किसान नहीं जाएगा, किसान देश को गुलाम नहीं होने देगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा बुरा हाल होगा किसान का। आज हम यहाँ सार्वजनिक बैठ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। वही अहंकार भाजपा के सांसद बोल रहे हैं, हमने सबने वोट दिया है, ये कह रहे हम 300 आए हैं। अरे अगली बार 30 भी नहीं आएंगे तो जनता है, कांग्रेस खत्म कर देगी, तुम्हें खत्म कर देंगे। और आंदोलन को जितना कुचला जाएगा, आंदोलन उतना ही मजबूत होता है, ये इतिहास बताता है। 90 साल अंग्रेजों से लड़ने में लगी थी, 90 साल तो 90 महीने लग जाएंगे। अब 90 साल नहीं लगेंगे, 90 महीने लग जाएंगे, तो आंदोलन चलता रहेगा। ये आवाज़ दबेगी नहीं पूरे देश में, इनकी जो ये डुगडुगी बजाई है ना, बाजीगर है ये, पूरे देश को पता चल गया क्या कर रहे हैं ये, झंडा कौन फहरवा रहा है लाल किले पे, क्या गुंडागर्दी लाल किले पे जो कराई है इन्होंने, सब
पूरे हिंदुस्तान जान गया, पूरा विश्व जान गया, समझ गए पुलवामा में क्या हुआ। देवेंद्र सिंह DSP पकड़ लिए, एक दिन लाइव चलाई 2 घंटे, उसके बाद फिर कुछ नहीं, आज तक कहीं नहीं है। सुशांत राजपूत का 3 महीने चला है, किसान आंदोलन का TV कितना दे रहे हैं, 26 जनवरी के बाद देना शुरू करा है, वरना कुछ दे ही नहीं रहे थे। तो सब जनता है, सब समझते हैं।